पहली हो रही है महाप्रभु श्री जगन्नाथ की। आपने देखा संयोग कारिणी माता माँ सुभद्रिका को लिया जाया जा चुका है और बलभद्र की पहंडी हो चुकी है, महाप्रभु सुदर्शन की पहंडी हो चुकी है। अब घंटवारा सेवक घंटों के साथ बाजों के साथ पहंडी कर रहे हैं महाप्रभु श्री जगन्नाथ की, जिनको उनके रथ में ले जाया जाएगा। उनके रथ में विराजमान तीनों देवी देवताओं के अपने अपने रथों में विराजमान होने के बाद फिर आरंभ करेंगे। महाराजा जिस प्रकार से आए थे उस प्रकार से महाराज आकर के सेवा करेंगे जगन्नाथ महाप्रभु की, फिर ये पहंडी की यात्रा आरंभ होगी। पहंडी के बारे में आपसे कहा था अमूल्य जी ने, पदहुंदन को कहा, पदहुंदन का अर्थ होता है धीरे धीरे जाना, धीरे धीरे चलना। इसलिए जगन्नाथ की जो पहंडी धीरे धीरे अपने भक्तों को दर्शन देकर के जगन्नाथ जाते हैं, क्योंकि ये जो दर्शन कर रहे हैं, ये जो भव्य दर्शन है, उसकी प्राप्ति पुनः अपने भक्तों को होगी एक साल बाद। एक साल तक भक्तों को जगन्नाथ के इस रूप के लिए, जगन्नाथ के दर्शन के लिए, जब जगन्नाथ अपने मंदिर से निकल करके आएंगे इस दर्शन के लिए, उनको रहना होगा एक साल, उनको प्रतीक्षा करनी होगी और एक साल बाद पुनः इस प्रकार के आनंददायिनी मोक्षकारिणी रूप का दर्शन होगा। आपको महंत जी ने यह भी बताया कि कर्म का विभाजन यहाँ किस प्रकार से हुआ है। ये जो कर्म विभाजन हुआ, देखिए जगन्नाथ की केवल मात्र यात्रा नहीं, जगन्नाथ को भोजन लगते हैं, जगन्नाथ की जो सेवाएं की जाती हैं, जगन्नाथ के पर्व त्योहार होते हैं, जगन्नाथ को वस्त्र आभूषण पहनाए जाते हैं, जगन्नाथ के रथों का निर्माण होता है। किसी भी चीज को आप ले लीजिए, प्रत्येक चीज के लिए सेवक समुदाय, सेवक संप्रदाय बनाए गए हैं और हर काम को एक संप्रदाय का काम दूसरा संप्रदाय नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि प्रथम प्रधान सेवक जगन्नाथ के वो हमारे राजा हैं। और इसीलिए आप आज विश्व भर में राजा का समय नहीं रहा, मंत्री आ गए हैं, पर राजा का राम काम मंत्री कर रहे हैं, पर न राजाओं को वैसा सम्मान मिला न मंत्रियों को वैसा सम्मान मिला जितना सम्मान आज तक उड़ीसा की जनता, उड़ीसा की प्रजा यहाँ के राजा को दे रही है, क्योंकि यहाँ के राजा स्वयं जगन्नाथ के प्रथम सेवक हैं, स्वयं जगन्नाथ के प्रधान सेवक हैं। इसीलिए राजा प्रथम जगन्नाथ की सेवा जाकर के रथों पर करते हैं, उनकी सेवा के बाद ही चाहे बाहुड़ा हो चाहे रथ यात्रा का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। रथ यात्रा किस कार्यक्रम में बात हो रही थी, गुंडीचा मंदिर की, जिसको आप देख रहे हैं, जहाँ से नाकचणा के द्वार से होते हुए दक्षिण मोड़ लेकर के महाप्रभु जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा दक्षिणाभिमुखी होकर के, उत्तराभिमुखी होकर के गए थे, अब दक्षिणाभिमुखी होकर के लौटेंगे, क्योंकि दक्षिण की ओर जाते हुए जगन्नाथ को देखना, उत्तर की ओर जाते हुए जगन्नाथ महाप्रभु को देखना महान तप का फल होता है, महान पुण्य का फल होता है। इसलिए भक्तों की ये निष्ठा रहती है, भक्तों की अभिलाषा रहती है कि बाहुड़ा और जगन्नाथ दोनों ही दिनों में महाप्रभु श्री जगन्नाथ बलभद्र सिंह महाप्रभु का दर्शन करें, माँ सुभद्रा का दर्शन करें। आपको एक बहुत अच्छी बात आपको अमली जी ने बताई, अमली जी ने कहा तो कैसी विचित्र दशा है, कैसी विचित्र बात है, जो संजगत नियंता है, जो संसार का निर्माण करता है, जिसने सारी सृजना की है, सारी सृष्टि का निर्माण किया है, उसको लोग उनके भक्त उनके सेवक उनके अपने रथों पर सही सलामत रथारूढ़ करवा रहे हैं, बांध करके रख रहे हैं कि वह गिर न जाए। तो सही में जब अपने सिंहासन पर वो आरूढ़ होते हैं तब वो महाराजा हैं, और हमेशा उनके लिए भक्तकालीन कवियों ने भी कहा से तो भक्त जीवन है बंधारे, इसे तो भक्त जीवन अधन। इसलिए भक्तों के साथ वो बंधे हुए हैं, भक्त उनको जिसे चाहता है, जैसे रखना चाहता है, उसकी हर बात को वो स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी तो भक्तों को बांधा हुआ है, उन्होंने अपने भक्तों को जिस तरह से अपने प्रेम से बांधा हुआ है, उनके भक्त जैसे जीवन को जीते हैं, जैसे रहते हैं, अपने भगवान को भी अपनी तरह से बांध करके रख करके रखना चाहते हैं, क्योंकि सर्वोत्तम स्वीकारोक्ति उनके भक्ति की स्वीकारोक्ति उड़ीसा के भक्तों की जगन्नाथ के साथ है और सर्वोत्तम समर्पण का भाव जगन्नाथ के साथ है। इसीलिए उनके भगवान को, उनके देव को किसी प्रकार का कष्ट न हो, वो गिन न जाए, उनको चोट न लगे। इसलिए जिस प्रकार से नन्हे कृष्ण की बाल गोपाल की पूजा होती है, उस प्रकार से कृष्ण को भी आम जीवन में रख करके, हमारे घर के सर्वोपरि व्यक्ति मान करके, हमारे घर के सब कुछ मान करके उनकी पूजा भी उसी प्रकार से होती है। इसलिए जगन्नाथ को बांधना, जगन्नाथ को सही सहमत लेना, रेशम के रज्जु से उनको खींच करके रखना, धीरे धीरे उनका भक्तों को दर्शन करवाना आदि सभी काम उसी प्रकार से होते रहते हैं। तो बता रहे थे गुंडीचा मंदिर की बात हो रही थी, तो मादड़ा पांजी के अनुसार नरसिंह देव ने बांकी मुहाने को कुतवाया था। पहले यहाँ 6 रथ हुआ करते थे, 3 नदी के इस पार, 3 नदी के उस पार। इस गुंडीचा की यात्रा की बात हो रही है तो दो एक सूचना मैं आपको देना चाहूंगी। गुंडीचा यात्रा दो प्रकार की होती है, एक कादुआ गुंडीचा, एक होती है धुलिया गुंडीचा। कादुआ गुंडीचा का अर्थ होता है कीचड़ वाला गुंडीचा और धुलिया गुंडीचा का अर्थ होता है धूल वाली गुंडीचा।
तो कादुआ और धुरिया का अर्थ होता है, पहले आपको मैंने कहा, बताया था रथ यात्रा में, महंत जी ने भी आपको बताया, मैंने भी आपको बताया, यहाँ की नदी बहती थी, ये जगन्नाथ मंदिर से लेकर के गुर्जा मंदिर के बीच में एक नदी बहती थी, जो मालिनी नदी थी, जिस नदी को पाटने का काम शोभा देवी ने किया और मौसीमा ने उसका शोषण किया था, उनको अर्धाशिनी कहा जाता है, अर्धशोषण नदी का अर्धशोषण मौसीमा ने किया था, जिसको आपको दिखाएंगे बीच में, जहाँ आपको पीठा देंगी महा मौसीमा उस मंदिर के पास, इसीलिए इसका इस रास्ते का भी नाम पड़ गया है श्रद्धावली। तो इस श्रद्धावली की इस तरफ तीन रथ हुआ करते थे, उस तरफ तीन रथ हुआ करते थे, तो इस गुंडीचा यात्रा को कभी धुरिया गुंडीचा कहते थे, तो कभी कादुआ गुंडीचा कहते थे। धुरिया गुंडीचा का अर्थ होता था कि दूर दूर से आने वाले यात्री यहाँ पहुँचते थे, और जिस साल बारिश, क्योंकि श्रावण का महीना है, जिस साल बारिश नहीं होती थी, सूखा पड़ता था, लोग जो भक्त जब रथ को खींच करके ले जाया करते थे, वहाँ खूब धूल उड़ा करती थी, रथ नहीं दिखता था, इतनी धूल उड़ा करती थी, उस समय की यात्रा को कहते थे धुरिया गुंडीचा यात्रा। जब जिस साल बारिश खूब हुआ करती थी, बारिश में जब वो कीचड़ भर जाता था, कीचड़ से भरे यात्रा को फिर रथों को खींचने में बड़ी दिक्कत होती थी, फिर भी भक्त उसको खींच करके ले जाया करते थे। और पहले ये जो गुंडीचा यात्रा में आप जिसको देख रहे हैं, जो दक्षिण मोड़ लेकर के पहले रथ रखे हुए हैं, अब खींचे जाएंगे, दोनों तरफ उसकी रस्सी लगा करती थी, आगे की तरफ भी रस्सी होती थी और पीछे की तरफ रस्सी होती थी किसी तरह से, और इसको खींच करके दक्षिण मोड़ करने में या दाहिनी तरफ दक्षिण की तरफ घुमाने में भक्तों को लगभग 2 दिन लगा करते थे, और 2 दिन आगे पीछे करते हुए इस रथ को रखा जाता था। फिर उसके बाद अपनी सही जगह रहने के बाद, फिर चाहे धुरिया गुंडीचा हो चाहे कादुआ गुंडीचा हो, इस प्रकार से दोनों यात्रा का समापन या यात्रा को संपन्न किया जाता था भक्तों को। और सुभद्रा मंदिर के लिए भी ये कथा का प्रचलन है, ये बात कही जाती है कि पहले माता सुभद्रा के मंदिर को, अब तो मंदिर को रथ को खींचने वाले पुरुष भक्त भी हैं, नारी भक्त भी हैं, पुलिस भी खींचते हैं, प्रशासक के लोग भी खींचते थे, पर माता सुभद्रा के मंदिर को केवल मात्र स्त्री ही पहले खींचा करती थी, ऐसी परंपरा थी या ऐसी व्यवस्था पहले थी, पर अब जो है सभी इस रथ को खींचा करते हैं। देखिए सुंदर दिखलाई दे रहा है ये वो टहिया, टहिया के बारे में विस्तार से हमने आपको ये सूचना दी थी कि टहिया को बनाते कैसे हैं, ये अधिकार टहिया बनाने का अधिकार केवल मात्र राघवदास मठ को ही प्राप्त है। अभी जो है इस टहिया को बनाने में लगभग 3 महीने लग जाते हैं, 3 महीने पहले से इसका इस कार्य का आरम्भ होता है और 3 महीने में ये बनकर ये टहिया तैयार होता है। सफ़ेद फूल, जरी, धूप और इस प्रकार से विविध फूलों से इस टहिया को बनाया जाता है, और इस विशेष अधिकार को सबसे पहले जगन्नाथ महाप्रभु ने राघवदास को दिया था। देखिए ईश्वर की जो 3 अस्त्रों की बात कही आप सब लीजिए ने, चक्र की बात कही, त्रिशूल की बात कही, ये देखिए सूर्य की प्रताप से, सूर्य को तेज को लेकर के जो अस्त्र बने थे, ये आपको दिखाई दे रहा है त्रिशूल, जो एक जगन्नाथ के पास है, एक चक्र जगन्नाथ के पास है, एक महाप्रभु शिशिर के पास है। और इस संस्कृति की बात हो रही थी हमारी गुंडीचा मंदिर की, गुंडीचा मंदिर के बारे में आपको विस्तार से बताया, कहाँ किसकी अवस्थिति है, जगन्नाथ किस राशि से किस प्रकार से नकसणा द्वार तक आते हैं, कहाँ पर वंशाकल्पवट है, वहाँ किस प्रकार से है, गोविंद कृष्ण हरे मुरारे हे नाथ नारायण वसुदेवा मंत्र के उच्चारण से मोक्ष की प्राप्ति होती है या मनोकामना की पूर्ति होती है, आदि बातें आपने अमूल्य से सुनी। तो ये जो गुंडीचा मंदिर है, इसके लिए कहा जाता है, कुछ गवेषक ये मानते हैं कि चोरगंग देव की पत्नी का नाम था गुंडचोरी, और उन्हीं के नाम से इस यात्रा का नाम गुंडीचा पड़ा है, गुंडचड़ी के नाम से इस यात्रा का नाम गुंडीचा पड़ा है। पहले इस मंदिर में, अच्छा जिस मंडप की बात आपको ये देखिए, माता सुभद्रा विराजमान हो चुकी है अपने रथ पर, माता सुभद्रा के सेवक उनके रथ पर विराजमान है, और सुंदर मूर्ति माता की संयोगकारिणी शक्ति काम्पिन निवासिनी माता सुभद्रा जो जगन्नाथ और बलभद्र दोनों के साथ संयोग करवाती है धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए विराजमान हो चुकी है। और ये जिस मंदिर का, जिस मंडप की बात आपको मुनि जी ने कही, उस मंडप के बारे में एक बात और भी आप जान लीजिए, पहले वो जो मंडप था लकड़ी का मंडप होता था, और संभवतः इस मंडप को आड़प मंडप इसलिए कहा जा रहा था, आड़प का अर्थ होता है आड़े रखना या रोकना, इसलिए आज जैसे कि हम कई बार हिंदी में भी इसका प्रयोग करते हैं, कोई चीज़ ये बीच, ये आड़े आ गई, ये चीज़ बीच में आ गई, इसलिए पहले उसको कहा जाता आड़प मंडप का अर्थ होता है भक्तों का आना या भक्तों का भगवान का दर्शन वहीं तक था निश्चित, उससे आगे वो नहीं जा सकते थे, इसलिए उस मंडप को कहा जाता था आड़प मंडप कहा जाता था, क्योंकि ये मंडप भक्त और भगवान दोनों के बीच में एक दूरी बनाए रखने के लिए है, जीवात्मा और परमात्मा के बीच में एक दूरी बनाए रखने के लिए, जिसमें परिश्रम करके साधना के बल पर जीवात्मा उस आड़प मंडप तक पहुँचती है, या अपनी साधना के बल पर, अपने प्रेम के बल पर, अपने समर्पण के बल पर उस परमेश्वर की प्राप्ति उसको होती है।